कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी विधायकों के साथ विधानसभा में प्रदर्शन किया। बीजेपी की मांग है कि सीबीआई आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, मुख्यमंत्री के पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर एसपी दास और कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को कस्टडी मिले। रेप एंड मर्डर केस में बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा भी मांगा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा ममता बनर्जी के पास ही है। सीबीआई को शिकंजा कसना चाहिए और संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, विनीत गोयल को अंडर कस्टडी करना चाहिए। ये तीनों को पहले कस्टडी कीजिए। क्यों डीएमई सुशांत रॉय, डॉक्टर ओभिक दे किस लिए 9 तारीख वहां गया था? आरजी कर में सुशांत राय, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एडुकेशन एंड डॉक्टर ओभिक दे, वो दोनों किस काम के लिए उस दिन सुबह गया था? एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार ने इस घटना को छिपाने की कोशिश की वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मेरे शब्द कम पड़ते हैं कि जिस तरीके की घटना घटी और जिस तरीके से सरकार ने इसको छुपाने की कोशिश की है उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि बंगाल एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, लॉलेसनेस चरम शिखर पर है। और दुख की बात यह है कि महिलाओं पर अत्याचार दिन प्रतिदिन वेस्ट बंगाल में बढ़ रहा है और यह सब कुछ महिला मुख्यमंत्री होने के पश्चात ये हो रहा है, ये और भी चिंताजनक है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की सरकार ने इस केस को हशप करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की और जनता के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है, मैं इसकी भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ काफी आक्रामक नजर आए। यूपी में विभाजन विभीषिका दिवस के कार्यक्रम में योगी ने कहा कि 14 अगस्त 1947 में विभाजन के मौके पर जो माहौल था वैसा ही एक बार फिर बांग्लादेश में दिख रहा है। योगी ने कहा कि तब हिंदुओं को पाकिस्तान में मारा गया और अब बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश की कथित सेकुलर पार्टियां वोट बैंक खाने के डर से हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। विभाजन की इस त्रासदी के लिए तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार रहा है। कांग्रेस विभाजन की इस त्रासदी के लिए और समय समय पर देश के साथ हुए इस धोखे के लिए कभी देश की जनता से माफी नहीं मांगेगी, क्योंकि उनका चरित्र कभी भी इस प्रकार का नहीं रहा। कांग्रेस का वास्तविक चरित्र अजय नायकवादी रहा है और देश के अंदर जब भी उसको अवसर मिला उसने लोकतंत्र के गले को घोटने का प्रयास किया। 1975 इसका उदाहरण है। जब भी कहीं पर नागरिकों ने अपने अधिकारों की बात की उसने आपस में लड़ाने का काम किया। देश के अंदर भाषाई विवाद, देश के अंदर क्षेत्रीय विवाद, देश के अंदर सनातन राष्ट्र में हिंदू और सिखों को आपस में लड़ाने का कार्य, ऐसे तमाम ऐसे पाप हैं इनके जिन पापों की कभी माफी नहीं दी जा सकती है। और इसलिए हमें इस प्रकार के लोगों से सावधान रहते हुए फिर कहीं भी कोई ऐसी स्थिति ना आने पाए जो देश के वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी की स्थिति पैदा करे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए कानपुर सीट पर बीजेपी का कमल खिलाने का दावा किया। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव भी लगातार सभी 10 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी में कलह के अखिलेश के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बहुत मजबूत है, अखिलेश किसी भ्रम में ना रहे, अपनी पार्टी को संभाल लें तो बेहतर होगा। छोटी सोच है, मतलब ये श्री अखिलेश यादव जी को अगर यह भाषा बोलते हैं तो मुझे लगता है ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अफसर केवल अफसर है, कर्मचारी अधिकारी है और उसकी जातियों को देखना यह मतलब
एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए जो मुख्यमंत्री तक रहा हो और ये बहुत बड़ा दोष है, इस दोष से मुक्ति के लिए यज्ञ करें। वो अपनी समाजवादी पार्टी संभाले, भाजपा बहुत मजबूत है और अभी उनको 2047 तक मौका नहीं मिलने वाला। वही लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी के साथ हर जिले में घूम रहे मुकेश सहनी को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। इन अटकलों पर मुकेश सहनी ने बात की, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के तिरंगा अभियान की तारीफ की और उनसे निषाद आरक्षण की मांग की। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने कहा कि अगर निषाद आरक्षण मिलता है तो प्राण भी मांगेंगे तो बीजेपी को दे देंगे। अभी हमारा यह है कि देश के प्रधानमंत्री के नाते देश के प्रधानमंत्री को पहले देश के लोगों के लिए निर्णय ले, और निषाद समाज का आरक्षण मुकेश सहनी का आरक्षण नहीं कर रहे हैं, जो मुकेश सहनी उसके बदले में कुछ करेंगे। आपकी यही मांग है, आपकी यही मांग रही है कि जो हमें आरक्षण देगा हम उसका साथ देंगे। निश्चित तौर पर हम केंद्र ही पूरा कर सकता है। हाँ, केंद्र ही पूरा करेंगे, पहले वो आरक्षण लागू करें हमारा, उसके बदले में हमको क्या देना है वो व्यक्तिगत हमसे हमारा प्राण मांगेंगे तो हम प्राण दे देंगे भाजपा को। बाकी रहा कि विचार की बात होगा, समूह की बात होगा, तो उसके लिए तो हमको 100 बार सोचना पड़ेगा।